हम बहुत कमज़ोर हैं महाराज, और हमारी कमज़ोरी निकलने कोई उपाय बताइए। सबसे बढ़िया उपाय अक्षय तृतीया का है। उसी दिन सुदामा कृष्ण के भवन में पहुँचे थे और उसी दिन प्रवेश हुआ था। इधर हाथ में पोवा लेके कृष्ण ने बोला कि ये पोवा तो बहुत थोड़ा है महाराज, मैं गरीब आदमी क्या ला सकता हूँ, थोड़ा सा ये चिड़ुआ लाया हूँ, इसको खा लो। तो भगवान कृष्ण ने हाथ में हथेली भर पोवे को लेकर के बोला, ये हथेली भर पोवा नहीं है सुदामा, ये तुम्हारा प्यार का प्रस्तुति है, तो ये अक्षय है। जैसे ही उसको अक्षय बोला, उसी समय सुदामा जी की कुटिया सोने का भवन बन गया। घर में सोना चांदी हीरे का धन दौलत भर गया। वो दिन है अक्षय तृतीया का दिन, वही अक्षय तृतीया का वो दिन है जिस दिन सुदामा बन गए दुनिया के कोट्याधिपति दौलतधारी महापुरुष, जो कृष्ण की कृपा अक्षय रूप से बरस गई। इस दिन जिधर भी देखो, जो भी घटना घटी, उस दिन दुखियों का दुख दूर हो गया, कष्टियों का कष्ट दूर हो गया, दरिद्रियों का दरिद्र दूर हो गया। ऐसी घटनाएं निरंतर घटती रही। भगीरथ जी तपस्या करते हैं कि मेरे पूर्वजों का कल्याण हो जाए, मेरे पूर्वजों का जितनी भी आत्माएं भटक रही है सफल हो जाएं। एक ही रास्ता दिखा कि गंगा के लिए तपस्या करो। अगर गंगा माँ धरती पर आती है और उसके बहाव से जहाँ जहाँ वो राख गिरा हुआ है, उस राख के ऊपर गंगा माँ बहेगी, तो ये भटकने वाली आत्माओं को सदगति मिल जाएगी। तो जिस दिन भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को धरती पर अवतरित किया था, गंगा माँ ने धरती में अवतरण दिया और बहती हुई पूरे भारतवर्ष को खल खल करते हुए पुनित पावन अपने श्री चरणों से पवित्र कर दिया, पापी आत्माओं को उद्धार करने और धरती का कल्याण करने गंगा माँ ने धरती पर प्रवेश किया अक्षय तृतीया के दिन। ये अक्षय तृतीया के दिन धरती में जितने प्रकार के दुख संकट मिटने के संभावनाएं थी, सभी अक्षय तृतीया के दिन हुआ। केरल में एक छोटा सा गांव कालड़ी, इस छोटे से गांव में एक 8 साल का बालक संन्यास लेके आदि शंकराचार्य जगतगुरु बनके धरती को शैव शाक्त कौमार गाणापत्य वैष्णव सौर आदि षण्मतों को प्रदान किया। ऐसे आदि शंकराचार्य 8 वर्ष के बन के जहाँ भिक्षा लेने गए, वहाँ एक गरीब ब्राह्मणी देखती है कि भिक्षा में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये बाल सन्यासी को कैसे मैं मना करूं कि मेरे पास कुछ नहीं है। ढूंढती है तो घर के झोपड़े में एक मटके में एक पुराना पका हुआ आंवला मिलता है। अब ना बोलने के लिए शर्माने वाली वो ब्राह्मणी उस आंवले को लेके उनके भिक्षा पात्र में डाल दी। पात्र में पड़े हुए आंवले को देख के आदि शंकराचार्य रूपी वो 8 वर्षीय बालक सोचते हैं कि ये आंवला तो पक गया है, सड़ने वाला है, लेकिन इसके दिल में दया और करुणा है, ऐसे व्यक्ति लक्ष्मी के पात्र होना चाहिए। उसी समय वहीं खड़े होके अंगम हरे बुलक भूषणम आश्रयंती भृंगांगन एव मुकुलाभरणम तमालम कनकधारा स्तुति की पाठ का शुरुआत किया आदि शंकराचार्य ने। वहाँ सोने की आंवले की बरसात हुई, और जिस दिन ये सोने की आंवले की बरसात हुई ना, वही दिन अक्षय तृतीया का दिन है जिस दिन लक्ष्मी प्रसन्न होकर के सोने की आंवले की बरसात करती है धरती पर। तो सोचिए कि उस दिन लक्ष्मी का प्राकट्य दिन भी है, उस दिन लक्ष्मी को अपने पति के वक्षस्थल में स्थान भी प्राप्त हुआ, उसी दिन धरती में सोने के आंवले के बरसात भी किया। ऐसी लक्ष्मी माँ को कृपा दिलाने वाला दिन ये दिन है अक्षय तृतीया का दिन।